इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोबाइल से हम कैसे कॉल कर सकते हैं यूजिंग वाईफाई। तो सबसे पहले इस मोबाइल वीआईपी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। अगर आप प्ले स्टोर में देखोगे तो आपको इसके काफ़ी अल्टरनेट मिल जाएंगे। तो मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग होगी या कुछ जो भी परमिशंस है हमें इस ऐप को देनी पड़ेगी। जैसे ये एक्सेस करेगा आपका माइक्रोफोन, तो इसके लिए हम परमिशन देंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको परमिशन देनी होगी। तो ये कुछ परमिशन है, जो कॉन्टैक्ट है, माइक्रोफोन है और आपकी जो कॉल डेटा है, वो सारा परमिशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद, आपको परमिशन देने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर ये इसका पेज ओपन हो चुका है और इसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट और सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मैं डायल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इनके जो भी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैं अपना, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इनमें से एक प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा जिसके थ्रू हम ये कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक सर्वर सेलेक्ट करूँगा। बेसिकली क्या होता है कि जो भी ये सर्वर है, वो जब भी हम कॉल करते हैं तो ये इस सर्वर के थ्रू कनेक्ट करता है हमारे मोबाइल को। तो सबसे पहले हम वाईफाई इनके सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद वो सर्वर आगे कॉल को फॉरवर्ड करेगा। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अब मैं इस नंबर पर एक कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉल लग रही है। तो यहाँ पर आप क्वालिटी सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अभी कनेक्ट हो रहा है। ओके, कॉल लग चुकी है। हाँ, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ अपने मोबाइल नंबर पर जिस पर मैंने ये कॉल की है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।